एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह इन फ्रंट ऑफ यू, और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के ग्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। और करंट अफेयर की सीरीज के लिए हम जो है डेली डिस्कशन करते हैं अपने सेशन में, तो आप लोग मुझे डेली बेसिस पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको सबको पता है कि 10:30 बजे रोज क्लास होती ही होती है, और 7 days 24/7 days होती है, तो आपको इसके बारे में भी काफी हद तक पता है चीजों के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी मेगा ऑफर चल रहा है हमारा 22% का। अगर आप मेरे कोड के साथ अप्लाई करते हैं SRS10 के साथ, तो आपको ये डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे वही करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। और आप सबको पता है कि जितने भी करंट अफेयर्स हम लोग करवा चुके हैं, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स ऑलरेडी आपको पेपर में देखने को भी मिले हैं, और बहुत बार करंट अफेयर्स आपके पेपर में आ भी चुके हैं। तो मैंने हर बार आपको इंश्योर भी किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको रेंडमली कुछ भी पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, बल्कि इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेंडम से ज्यादा वही चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और विवेकानंद जी का कोटेशन स्क्रीन के ऊपर है, और मैं आपको यही इस कोटेशन के साथ मैसेज भी देना चाहती हूँ कि तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक कि आपको अपना एम ना मिल जाए, और आपको डेली बेसिस पे हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और बाकी की जितनी भी स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में एफर्ट्स की नीड है वो हम आपके साथ कर रहे हैं। इस कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास करंट अफेयर्स की, और मैं आपको पहले वो क्वेश्चन दिखा दूं जो मुझे आपसे पूछना है। आई होप कि मेरी वॉइस ऑडिबल एंड सब कुछ विजिबल होगा, एक बार आप मुझे बता भी दीजिए सो दैट वी विल स्टार्ट द क्लास फाइनली। इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच निष्ठा। ओके निष्ठा, ठीक है। मिस्टर जॉन वेरी गुड मॉर्निंग, निष्ठा गुड मॉर्निंग, एंड राहुल वेरी गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग टू ऑल, बाकी लोग भी जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और लेट्स बिगिन द सेशन एवरीवन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर था और ये इसका जवाब आपको मुझे देना है। और 174 क्वेश्चंस वी ऑलरेडी डन, हम अब तक कर चुके हैं, और जिन्होंने ये बाकी की सीरीज नहीं देखी है रेस्ट ऑफ 173 क्वेश्चंस की, प्लीज करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम करवा चुके हैं उसको आप लोग देखिए। ठीक है निष्ठा, थैंक यू सो मच। ओके मिन्सी, और इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है 173 रेस्ट ऑफ द जो सीरीज है उसके करंट अफेयर्स की सीरीज आप मेरे बाकी जो प्लेटफॉर्म पे वीडियोस पड़ी हैं उसको देखिए। साथ में पीडीएफ्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ भी डेली बेसिस पे मिल जाया करेंगी। गुड मॉर्निंग प्रियंका श्रीवास्तव, काफी दिन बाद क्लास ज्वाइन की है आपने। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और इसका जवाब आपको मुझे देना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ही मैं बता दूं सबसे पहले आपको अनअकैडमी के ग्रेड प्लेटफॉर्म के बारे में, जो वॉस प्लेटफॉर्म है, पेपर 1 पेपर 2, और आज पेपर 1 की हमारे 2 सेशंस हैं, तो आपको ज्वाइन करना है रात को 8 बजे, और अभी तो हो ही रहा है, और 12 बजे हमारा हिस्ट्री का भी क्लास है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट शार्प 12 नून। ठीक है, तो ये आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और पेपर 1 का 8 बजे का भी सेशन है, ICT पढ़ाऊंगी आपको, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सुगंधा वेरी गुड मॉर्निंग, ऑप्शन 4 की तरफ सबका इशारा है कि ऑप्शन 4 होना ही चाहिए। एंड आइकॉनिक प्लस अगेन काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि पर्सनल गाइडेंस आपको दी जा रही है यहाँ पर, लाइव टेस्ट के लिए सब कुछ एप्लीकेबल है, वीकली टेस्ट यहाँ पर होते हैं। और अगर आपका कोई डाउट सेशन है, अगर आपको किसी भी चीज के लिए डाउटफुल में है कि भाई हमें ये करना है नहीं करना है, तैयारी के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वेल डन, गुड रिस्पॉन्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं वो भी साथ में मुझे जवाब देंगे। तो आप लोग ये आइकॉनिक और प्लस के जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आज 3rd of January है, तो आज आपके लास्ट डेट है 22% मेगा ऑफर की, तो आप इस कोड के साथ अप्लाई कर सकते हैं SRS10 के साथ, जो 10% का डिस्काउंट खत्म होकर 22% हो गया है। आज ये लास्ट डेट है 3rd of January, और मेरा प्लस का बैच भी ऑलरेडी चल रहा है, और 1 बजे की भी क्लास आज आपकी ICT की है, तो आपको ज्वाइन करना है साथ में। और आप 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के जो कोर्सेज है उसको प्लान कर सकते हैं स्ट्रक्चर वे में, और आइकॉनिक प्लस दोनों कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल रहेंगे आपके पास। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ पे नहीं करना है इसके लिए, सॉरी, पे करने से मतलब है कि आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट लगाना, बिकॉज आपको काफी कम कीमतों में बेहतर एक्सेस दिया जा रहा है।
ओके, गुड मॉर्निंग सैंग बनर्जी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सब कुछ अवेलेबल है, और फीडबैक फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स से। अगर कोई अप्रोप्रिएट वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और आज है आपकी शाम को 7 बजे, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 7 PM इन द इवनिंग शार्प, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अपकमिंग में प्लस का बैच भी चल रहा है 1 बजे रोज, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चल रही हैं, रिकॉर्डेड ही देखिए जो कि मैंने हमेशा कहा है, तो काफी है आपको जा रहा क्वालिफाई करने के लिए। लक्ष्य एंड टारगेट बैचेस चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर कॉमर्स का बैच भी चल रहा है। सो लेट्स बिगिन द सेशन ऑफ करंट अफेयर्स, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 174, और उसके पहले मैं बता दूँ आपको रिजोल्व 2022 के बारे में। अगर आप सच में अपना टारगेट जो है अचीव करना चाहते हैं 2022 का सीरियस वे में, और आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन पैक लीजिए। यहाँ पर ये मेरा कोड है SRS10 का, इसको आप अप्लाई करेंगे तो 22% यानी 22% का आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है। आज लास्ट डेट है 1 से 3 जनवरी के बीच में, और यहाँ पर आप कोड जो है डालकर मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं। मेरे प्लस के बैचेस चल रहे हैं, उसको आप देख पाएंगे, स्पेशल पे मैं डेली आ ही रही हूँ, और यूट्यूब पे मेरे 3 सेशंस डेली बेसिस पे चलते ही चलते हैं, तो आपके लिए काफी बेनिफिट यह होने वाला है। स्ट्रक्चरल प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो इस कोर्स के साथ पॉसिबिलिटीज आपकी काफी हद तक आपके एम को अचीव करने की बन सकती है। ओके, गुड मॉर्निंग उत्तम। मिन्सी, वहां पे ऑप्शन आता है EMI का, ठीक है, तो आप EMI के ऑप्शन के ऊपर जाएंगी तो आपको मिल जाएगा वहां पर। जब आप फाइनली पे करने के लिए जाएंगी तो वहां पर ऑप्शन आते हैं कि आपको EMI से पे करना है कि कैश पे करना है, तो EMI का ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, और इन्होंने कहा है कि आपको जो स्टेज ऑफ मैसेज है प्रोसेस का आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपको जो आप यहाँ पर मान लीजिए किसी को मैसेज भेजते हैं, अगर आप मुझे कोई मैसेज भेजते हैं और इस मैसेज को मुझ तक पहुंचाना है, तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए आप लोग किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था 4, यानी कि सबसे पहले आप परसेप्शंस बनाएंगे नंबर 1, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे नंबर 3, सिलेक्शन करेंगे, और नंबर 4 उसके बाद आप इंटरनलाइजेशन करेंगे, और 5 पे करेंगे आप एक्शन। यानी कि अगर आप देखें तो बॉटम से टॉप तक का ये सिनेरियो है, पहले परसेप्शन बनाना, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, फिर कौन सा मैसेज का जो वे है आप वो सेलेक्ट करेंगे, इंटरनलाइजेशन करेंगे, फिर फाइनली आप एक्शन करेंगे यानी मैसेज को सेंड कर देंगे। तो ये स्टेजेस होते हैं। फॉर्मल वे में अगर देखा जाए आपके पास, तो सेंडर जो होता है वो यहाँ पर एनकोडर होता है, मैसेज को फॉर्म करता है, उसके बाद रिसीवर को भेजता है, रिसीवर यहाँ पे मैसेज को डीकोड करता है, और उसके बाद फीडबैक फॉर्म आता है। शेनन का एंड वीवर का ये काफी इंपॉर्टेंट एक जो है कम्युनिकेशन चार्ट है, जो काफी फेमस है, और इस बार सवाल यहाँ से आया अभी तक, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो वेल अटेम्प्ट एवरीवन, आई होप कि आपको काफी हद तक क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175 आपके स्क्रीन के ऊपर है, और ये आपका सवाल है। AICT का आप लोगों से इस बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मैंने कल भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक ऐसी निकाय है जिसका काम क्या करना होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, रेगुलेटरी होती है, जुडिशरी बॉडी होती है। अगर मैंने बी का नाम नहीं लिया है तो मैं हिंट भी कर रही हूं आपको कि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और काफी हद तक एक इंटरलिंक्ड बॉडी के रूप में काम करती है, और AICT का काम यही होता है जो कि पूरी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज में, NITs में, और आपकी जो IITs होती हैं वहां पर सर्कुलेट करना होता है, जहां पर गवर्नमेंट इनको फंडिंग देती है, और जो लोग इनोवेशन के मामले में आगे बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट उनके लिए काफी हद तक इनिशिएटिव्स भी लेती है। ठीक है, ओके, राजश्री कह रही है बी है, सुगंधा वर्मा का बी है, नेहा कुमारी, मिन्सी, अनामिका गौतम, फाइन, हेलो अनु, उत्तम, ठीक है, इंदु ने सबसे तेज और सबसे पहले जवाब दिया है, और इनका कहना है कि बी होना चाहिए। लेट्स सी द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन। आप देख पाएंगे जो स्टैचुरी बॉडी होती है वो इसका एकदम राइट आंसर है, और आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, और दे आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर आते हैं, और ये आप देख भी पाएंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन।
जिसको हिंदी में हम कहते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल से हमारा मतलब है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल से हमारा मतलब है कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो डीम्ड है, प्राइवेट है, चाहे वो सेंट्रल है, इन सबको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? AICTE करता है, ताकि हम खुद टेक्निकल तरीके से एनहांस कर पाए खुद को। शिवम, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ प्रियंका, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। एंड आप देखेंगे भी यहाँ पर कि ये पावर में है बहुत दिन से, और एक बहुत ही बेहतर बॉडी के रूप में जानी जाती है पार्लियामेंट्री लॉ के अंडर, और संसद के अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है। और एक सवाल आप लोगों से और भी बन सकता है कि डिफरेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टैचुरी बॉडी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के साथ साथ यहाँ पर अपनी पावर्स को डिराइव्ड कर सकती है, यानी कि अपनी पावर्स को अप्लाई कर सकती है। अगर स्टैचुरी बॉडी नहीं होती तो ये अपनी मर्जी से अपनी पावर्स को सप्लाई या अप्लाई नहीं कर सकती थी। इसके लिए हमेशा इसको रूल रेगुलेशन या UGC के नॉर्म्स कंडीशन को फॉलो करना पड़ता। पर यहाँ पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अपने हिसाब से पावर्स को कभी भी यहाँ पर जो है तरीके से अप्लाई कर सकती है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि योग कर्मण और कौशलम की यहाँ पर बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम स्किल की तरफ पूरी तरीके से खुद को डिराइव्ड कर रहे हैं, फॉलो करें, ताकि हम भारत में स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक साकार कर पाए। जी विभा पांडे, वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं साथ में, गुड मॉर्निंग तृप्ति, यहाँ पर नवंबर 1995 में, अगर आपको ये सवाल आता है कि कब ये बनी है, तो नवंबर 1995 में, 45 में बनी है। नेशनल लेवल की बॉडी है, यानी कि भारत में जाके कहीं पर भी कोई अगर यूनिवर्सिटी डीम्ड प्राइवेट अगर खुलती है, तो उसमें इसका पार्टिसिपेशन क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर NEP में अगर हम लोगों ने टेक्निकल चीजों का प्रावधान किया है, तो NEP के थ्रू बाकी स्टेट्स में उसको जो है प्रोपोगेंडा को या फिर उसके प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस नहीं दी जाएगी। और आप देख भी पाएंगे कि एडवाइजरी बॉडी थी पहले 1987 में एक्टो पार्लियामेंट्री के अंडर, और AICTE के अंडर आते आते इसका काम क्या बन जाता है? प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन बिठाना यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बीच में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता भी है कि यहाँ पर इस बार आपसे UGC का चेयरपर्सन पूछा गया था, DP सिंह इसका सही जवाब था। तो आपको पता होना चाहिए कि AICTE का चेयरपर्सन अनिल जो है सहस्त्रबुद्धि हैं, और काफी हद तक इम्पोर्टेंट भी हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 17 के अंडर ही स्टार्ट किया गया, और ये हैकाथॉन अभी मुंबई में हाल फिलहाल में स्टार्ट भी किया गया है, तो ये भी करंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और 176 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, और आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट वाला कौन सा है। NPTEL 2003 में बना है, UGC का चेयरपर्सन DP सिंह बना है, मैंने अभी भी बता भी दिया है। NCERT के डायरेक्टर कौन है, अमरेंद्र बी बेहरा है या फिर IIM बेंगलोर 1973 में बना है। तो आपको बताना है कि इसमें से सही नहीं है ये बताना है, रॉन्ग कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, ठीक है? तो इसका जवाब आप मुझे देंगे। जी इंदु, अनिल सहस्त्रबुद्धि है, ठीक है इंदु, 176 का बी आ रहा है। ओके सुगंधा, ध्यान से पढ़िए सवाल को, इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे। UGC के चेयरपर्सन DP सिंह है, ये सवाल इस बार शिफ्ट में आया था 20 नवंबर वाला आपका। आपका बी ऑप्शन नहीं है, अब आप A, C और D के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ध्यान कहाँ है भैया आपका, ठीक है? इतने इजी क्वेश्चन को गलत करके मत जाइए। विभा पांडे, इट्स नॉट ए, ठीक है? NPTEL की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी इस बार भी, ठीक है? मैं बता दूं आपको कि NPTEL बना है कब आपका, 2003 में। UGC का चेयरपर्सन कौन है, DP सिंह, ये दोनों के दोनों सही हैं। IIM बेंगलोर कौन है, यहाँ पर 1973 में बना है। पर NCERT के डायरेक्टर कौन है यहाँ पर, अमरेंद्र पी बेहरा नहीं है, इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तवा, फाइन, ये आपको ध्यान रखना है, NCERT के हैं। जैसे आपसे अभी तक UGC का चेयरपर्सन पूछा जा चुका है, अगली बार AICTE का या NCERT का पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। NCERT के डायरेक्टर रह चुके हैं श्रीधर श्रीवास्तवा, अभी भी वही हैं। कोई बात नहीं सुगंधा, इट्स टोटली फाइन। और NPTEL 2003 में बना है, आप सबको पता है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई थी कि NPTEL स्टैंड फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग। आप लोगों ने AICTE के बारे में पढ़ा, तो इसका काम क्या था, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन बिठाना, यही था ना, फाइन।
और अगर मैं एनपीटीएल की बात करती हूँ तो ये एनहांस करता है आपकी लर्निंग को, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपके जो लर्निंग है उसको बढ़ावा देता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करता है। और लेवल है इसका क्या, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है। और यहाँ पर इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास आईआईटी, गुवाहाटी रुड़की है, यहाँ पर इन सब के साथ मिलकर टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे ने सबसे पहले ई यंत्रा के नाम से ये इनिशिएटिव लिया था एनपीटीएल के अंडर, कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स को डिलीवर किया जाता है जिसका लाइव टेलीकास्ट होता है। और यहाँ पर इस लाइव टेलीकास्ट के थ्रू बाकी आईटीज की यूनिवर्सिटीज में उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनके डाउट्स लिए जाते हैं और उनको बेहतर लर्निंग की तरफ एनहांस करने की कोशिश की जाती है, यानी कि फॉरवर्ड करने की कोशिश की जाती है। और इसके सर्टिफिकेट्स भी आपको दिए जाते हैं और कोर्स काफी हद तक कामयाब माने जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फुल फॉर्म है इसके नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी एनहांस करना लर्निंग को, वहीं AICT किसके लिए काम करता है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। हाँ निष्ठा, बिल्कुल सही है, ठीक है प्रियंका, अनु वेल डन, ठीक है शिवम। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और आपसे ये पूछा गया कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है कम्युनिकेशन करता है, यानी कि संपर्क को प्रदान करता है। ये आपका आईसीटी का सवाल है, ये आपका कम्युनिकेशन का तो सवाल है ही, ठीक है, तो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, एक्सेल करता है, ऑफिस वर्ल्ड करता है, ब्रॉक्सी करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो आप इससे काफी हद तक लगा पाएंगे अंदाजा कि ऑफिस वर्ल्ड में आप इजिली कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एक्सेल आपके किस काम आता है, और अगर ब्रॉक्सी की बात की जाती है और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके फंक्शंस को ऑपरेट करता है। राजेश्वरी, ओके, राजश्री का कहना है डी है, शिवम डी कह रहे हैं, नेहा का भी डी है, फाइनली सबका डी आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, इसका एन ऑपरेटिंग सिस्टम है और सॉफ्टवेयर को यहाँ पर मैनेज करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को रिसोर्स पहुंचाने का काम करता है। कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपका रन करता है कंप्यूटर के साथ, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये उर्दू और हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन देता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हार्डवेयर यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन पे जाता है और दोनों को मर्ज करता है और यूजर को भेजता है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रख पाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। सुगंधा वर्मा कह रही है कि सर्टिफिकेट्स विल बी इश्यूड बेस्ड ऑन एन इनपर्सनल प्रोटोक्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड, ठीक है सुगंधा, गुड टू ऑल। मिन्सी ने ब्रॉक्सी का मतलब पूछा है और मैंने लास्ट क्लास में जो 2-3 दिन पहले हुई थी मैंने ब्रॉक्सी को एक्सप्लेनेशन भी किया था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एवरीवन। और आपसे अगला सवाल ये पूछा गया है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से फीचर को जो अप्रोच करता है किसको, आपके टीचिंग को और लर्निंग की स्ट्रेटेजी को, यानी कि आपके लर्निंग को, यानी कि एक टीचर और एक लर्नर, यानी एक जो बच्चा है जो सीख रहा है और जो टीचर है वो सिखा रहा है, यानी लर्निंग को करवा रहा है, उसको पढ़ाने के दौरान आप उसकी टीचिंग को और अच्छा बनाने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, पूछताछ करेंगे, अवधारणा आधारित सामग्री प्रस्तुत करेंगे, गेनिंग अटेंशन के ऊपर फोकस करेंगे या प्रेजेंट करेंगे उसको मटेरियल्स एंड साथ में रिकॉल करवाएंगे। ध्यान रहे रिकॉलिंग की बात तो मेमोरी से जुड़ी हुई है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, तो इलिमिनेशन मेथड से भी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। 178 का ए आया है और सुगंधा ने तेज जवाब दिया है और विभा का कहना है कि सी होगा। ओके, लेट्स सी द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन। जो क्वेश्चन में है इसका जो सी ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मैं कर देती हूं, अगर आपको समझ में आ गया है तो वी कैन लीव द क्वेश्चन एंड मूव अहेड, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि आप यहाँ पर इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजीज अगर फॉलो करेंगी तो लर्नर को सेंटर में रखना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गेम्स के लिए प्लान करें, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाएं, चाहे रोल प्लेइंग कराएं, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, केस स्टडी, क्वेश्चनिंग एंड साथ में मेथड्स, डिजाइन मेथड्स की अगर हम बात करें, इन सब के सबसे खास बात ये है कि इसमें आपका हमेशा सेंटर में क्या रहेगा, कौन रहेगा,
हमेशा आपका सेंटर में लर्नर रहता है, यानी कि जो सीख रहा है वही रहता है, ठीक है? नहीं उत्तम, डी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। फाइन, ये 10 लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन सी हैं? क्रॉस ओवर लर्निंग है, कंटेंट बेस्ड लर्निंग है, एम्बॉडीड लर्निंग, अडेप्टिव है, इंसिडेंटल है, स्टिल्थ है, कंप्यूटेशनल है, आर्गुमेंटेशनल है, एनालिटिकल है, और इमोशनल है, और साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो ये 10 स्ट्रेटजीज यहाँ पर ये फॉलो करती हैं, जो मॉडर्न स्ट्रेटजीज है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्लिप लर्निंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्क माई पॉइंट्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, नेहा एक्सप्लेनेशन जैसा देखिए उसमें कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक टीचर, मान लो अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो आपके लिए सिखाते हुए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो जाहिर सी बात है इंगेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और आप सवाल का जवाब नहीं देती हैं, इट मीन्स कि लैग कहीं ना कहीं आ रहा है, या तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर टीचर समझा नहीं पा रहा है। फिर ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। अब मैंने आपको टीचिंग लर्निंग के बारे में बताया है, तो मैंने क्या कहा कि टीचिंग का मतलब होता है जो सिखा रहा है, और यहाँ पर लर्निंग का मतलब होता है जो सीख रहा है, ठीक है? तो उसकी हम बात करें, तो कॉन्सेप्ट्स को बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बच्चे को यहाँ पर 2 का टेबल बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, पर बच्चे को आपने काउंटिंग सिखाई ही नहीं है, तो कॉन्सेप्ट्स कैसे इसके क्लियर हो सकते हैं? और हमने गेनिंग अटेंशन की बात इसलिए नहीं की है क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चे को सिखाना है, ना कि उसका इंटेंशन और अटेंशन गेन करना है, ठीक है? अगर मुझे आपका अटेंशन गेन करना होता, तो मैं आपको जोक सुनाती, गाने सुनाती, रादर कि मैं आपको यहाँ पर कंटेंट बेस्ड स्टडी करवाती। और नंबर डी कह रहा है कि प्रेजेंट करना है आपको मटेरियल्स को, आपको मटेरियल्स ऑडियो वीडियो जो विजुअल्स हैं, या मेमोरी या रिकॉलिंग, आपको तब यहाँ पर प्रेजेंट करने का फायदा होगा अगर आप बच्चे को पूरी तरीके से लर्निंग करवा रहे हैं, और अगर वो रेडी है लर्न करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो। और इनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सवाल गलत भी हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर एनकरेज कर सकती हूँ कि कोई बात नहीं, आप दोबारा जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये तब आएगा अगर आप एक्सपीरियंसेस से बच्चे को सिखाएंगे, और वो एक्सपीरियंस कैसे होंगे, आप उसको टास्क देंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे, ताकि बच्चा उसमें काम करके अपने एक्सपीरियंसेस को दिखा सके, ताकि उसको पता हो कि अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 4 ही आएगा, ठीक है? तो ये कैसे आएगा, उसको एक्सपीरियंस से आएगा जब वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। पर उसमें मैक्सिमम रोल किसका है, टीचर का है। अगर वो बच्चे को इनकरेज नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं कर रहा है, तो बच्चे में लर्निंग की जो जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाएगी, वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है? आई होप कि नेहा ये क्लियर होगा, और बाकी लोगों के लिए भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। मिंसी, आपके सवाल का जवाब सुगंधा वर्मा ने दे दिया है, थैंक यू सो मच सुगंधा। मनोज, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी ठीक है सुगंधा, पर्सन ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, ठीक है। इलिमिनेट सी इजिली, बिल्कुल शिवम ने सही कहा, पर क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर लर्निंग आपकी इफेक्टिव नहीं बन पाएगी। यहाँ पे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर 50 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो 50 में से 50 की लर्निंग एक जैसी हो। मैंने हमेशा कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैटर करते हैं, ठीक है? हेलो मिस्टर इरू, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जो पैडागॉजी होती है, यानी कि जो आपका लर्निंग बिहेवियर होता है किसी भी चीज को, वो सोशल इंटरेक्शन में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मेजर एरियाज काम करते हैं, यहाँ पर कौन एक्टिविटी, और यहाँ पर जो टीचर के करवाए गए एक्टिविटीज हैं। फिर ये कहते हैं अजर्शन में के, तो यही कहना है, रीजन में इनका ये कहना है क्योंकि कम्युनिकेशन सर्कुलर होता है, और यहाँ पर दोनों की एक्टिविटीज जो है इंपॉर्टेंट है, लर्निंग की भी और लर्नर की भी, ठीक है? ओके, तो आप देख पाएंगे शिक्षा शास्त्र और सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया कि जॉन डीवी जो है यहाँ पर, इन्होंने 3 लोगों के बारे में डिस्कशन किया है कि तभी आपकी लर्निंग पॉसिबल पॉसिबल्स हैं। कैसे पॉसिबल है, अगर आप यहाँ पर लर्नर हैं, टीचर हैं, साथ में यहाँ पर अगर आपका स्टूडेंट लर्न कर रहा है। तो शिक्षा शास्त्र क्या है आपके यहाँ पे, द वे यू लर्न द थिंग्स, जैसे आपको चीजें समझ में आती हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि शिक्षकों की गतिविधि को, यानी कि टीचर्स के एक्टिविटी को एनहांस कौन करता है, सामाजिक संपर्क बच्चे का, और साथ में उसका लर्निंग बिहेवियर जो है उसके बच्चे का। मैक्सिमम का ए आ रहा है कि दोनों सही हैं, ये आप देख पाएंगे, बिल्कुल सही है, वेल डन टू ऑल, बहुत अच्छी बात है।
एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, शुड बी मूव हेड। पेडागॉजी कह रहे हैं कि लीड करता है किसको, चाइल्ड को। और सोशल इंटरेक्शन क्या करता है यहाँ पर, इंटरेक्ट करता है लर्नर्स के साथ, ठीक है। अगर बच्चा कभी बाहर खेलने ही नहीं जाएगा तो उसको क्या पता कि उसका पीयर ग्रुप कैसे खेलता है, कैसे बात करता है, फिजिकल एक्टिविटी कैसे करते हैं। और यहाँ पर दोनों किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, जो कि मैंने जॉन डीवी के बारे में आपको बताया है कि सोशल बिहेवियर बच्चे का तभी कनेक्ट हो सकता है लर्नर का, अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उस लर्निंग में। और टीचर का काम क्या होता है, इन दोनों को पहचानना कि लर्नर का बिहेवियर सोसाइटी में कैसा है, क्योंकि सोसाइटी का प्राइमरी पार्ट कौन सा होता है, फैमिली, सेकेंडरी कौन सा होता है, स्कूल और उसका टीचर, ठीक है। हाँ, स्कूल बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। शिवम, इज देयर एनी नीड ऑफ द एक्सप्लेनेशन, ये पैडागॉगी है, एंड्रागॉगी है, दोनों में फर्क क्या है। पैडागॉगी में हमेशा कंटेंट आपके सेंटर में होता है, ध्यान से देखिए इसको, एंड्रागॉगी में लर्नर हमेशा सेंटर में होता है। तो आजकल की स्टडी हम कैसे करवाते हैं, आजकल की स्टडी हम कैसे करवाते हैं, एंड्रागॉगी स्टडी होती है। तो अगर आपसे सवाल आता है एंड्रागॉगी बेस्ड लर्निंग, इसका मतलब क्या है, लर्नर की बात हो रही है, लर्नर को सेंटर में रखना है, ओके। और अगर पैडागॉजी बेस्ड लर्निंग आती है तो किसको रखना सेंटर में, कंटेंट को, लर्नर क्या है, सेकेंडरी है। पर हमारी टीचिंग कब इफेक्टिव बनेगी इसमें, ठीक है, हमारी लर्निंग यहाँ पर तब इफेक्टिव बनेगी जब लर्नर आपका सेंटर में होगा ना। मैं आपको अपने मन से कुछ भी बोले जा रही हूँ, पैडागॉजी, एंड्रागॉजी, टीचिंग, कम्युनिकेशन, पर बच्चे का कोई इंटरलिंकेशन नहीं है बीच में, तो उसकी टीचिंग कभी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। फाइन, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एग्जैक्टली इरू, बहुत सही कहा आपने, कंटेंट बेस्ड लर्निंग में हमेशा टीचर सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये किसकी फिलॉसफी है, ये जॉन एडम्स की फिलॉसफी है, ठीक है। जॉन एडम्स साहब ने दिया है टू बाइपोलर, सॉरी, बाइपोलर रिलेशनशिप्स के बारे में बात की है, जहां पे सिर्फ टीचर और लर्नर काम करते हैं, राइट। पर जो जॉन डीवी का लर्निंग परस्पेक्टिव है, उसमें तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, आपका लर्नर भी, टीचर भी, और आपकी सोसाइटी भी, ठीक है। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, सोसाइटी का प्राइमरी पार्ट कौन सा है, फैमिली, तो फैमिली से सीखेगा, फिर सोसाइटी से, फिर टीचर से, फिर स्कूल से, राइट। तो ये पूरा एक क्रोनोलॉजिकल टाइम फेज होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ मनोज, एंड्रागॉगी स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, ध्यान से रखना है इसको। अच्छा, एंड्रागॉगी को ही हम यहाँ पर फ्लिप लर्निंग बोलते हैं, ध्यान में रखिए इस चीज को, क्यों, क्योंकि लर्नर सेंटर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न भी बोलते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है एंड्रागॉगी, तो हमेशा इसको ध्यान में रखिए। आपके टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, उन सवालों को सही करने का यही एक तरीका है, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव टर्म्स। मोनू, गुड मॉर्निंग, काफी देरी से क्लास ज्वाइन की है आपने। एंड्रागॉगी फॉर अडल्ट लर्निंग, जी फाइन राहुल, थैंक यू सो मच। एरू, ठीक है। इंदु, एंड्रागॉगी फॉर अडल्ट लर्निंग, पेडागॉगी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है इंदु, वेल डन। प्रिपरेटरी ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस पेडागॉगी इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन मेथड, वेल डन, ठीक है मनोज, वेरी गुड मनोज, ठीक है। शिवम, विभा, विभा, ठीक है, एंड्रागॉगी बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। पेडागॉगी इज द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग टीच टेक्निक्स एंड कल्चरल डिटरमाइंड बेस्ड एंड एजुकेटर्स बिलीव अबाउट हाउ लर्निंग शुड एंड डस टेक प्लेस, थैंक यू सो मच निष्ठा फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। प्रियंका, ठीक है, टीचिंग स्किल्स है उत्तम, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। गुड अटेम्प्ट टू ऑल, लेट्स मूव हेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपके पास 6 सेकेंड लास्ट है सवाल को देखने का, पढ़ने का और जवाब देने का, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एवरीवन। चलिए, ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है इसमें से, असर्शन रीजन में से, कि सही वाला कौन सा है। पहला ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है एजुकेशन का, प्लेस स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक एंड पर्सनल स्पेसिफिक होता है, यानी फॉर्मल आर क्रिएटेड बाय द लेड डाउन बाय लॉ एंड प्रोसीजर्स। ध्यान रहे, अगर हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम स्कूल लेवल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। बट फॉर्मल से बिल्कुल उल्टा क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये किसमें आता है आपका, इनफॉर्मल में। एग्जाम्पल के तौर पर इग्नू, जो भारत की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको क्लास में 8 बजे आना है तो आपको 8 बजे आना ही पड़ेगा, यू कैन चूज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। एग्जैक्टली, उत्तम ने काफी अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि ओपन यूनिवर्सिटी फॉर्मल नहीं है, राइट, यू कैन सी द क्वेश्चन। हाँ 180, ठीक है अनु, वेरी गुड।
ईरू का बिल्कुल सही है, ओनली ए इज ट्रू। नहीं राहुल, थोड़ा सा ब्लैक कर गए क्वेश्चन से। देखिए भाई, दो तरह की चीजें हैं ना यहाँ पर, ए ट्रू है आपका, आर फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा बता के चलती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओपन यूनिवर्सिटी है तो इनफॉर्मल होगी, सीधी सी बात है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि ओपन स्कूल एग्जाम्पल किसके हैं? फॉर्मल सिस्टम के। तो एजुकेशन बेस्ड किसके ऊपर होगी? ये क्रिएट बाय, लेट डाउन बाय प्रोसीजर्स। तो क्या हम जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते? नहीं करते हैं। पर यहाँ पर जो आपका दर्शन वाला सवाल है, जहां पर हम सिस्टम्स की बात करते हैं, तो प्लेस होता है, टाइम होता है। आपको पता है ना कि अगर आपके घर में, अगर आपके छोटे भाई बहन अगर स्कूल जाते होंगे, तो फॉर्मल और साथ में हम इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं। सी, फॉर्मल में हमेशा चीजें स्ट्रक्चर बेस पे चलती हैं, इनफॉर्मल में क्या होती हैं? अनस्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, यहां पर फॉर्मल में प्लेस स्पेसिफिक होता है, बट इनफॉर्मल क्या है? ये प्लेस स्पेसिफिक नहीं है कि अगर दिल्ली में हेडक्वार्टर है इग्नू का, तो इसके अलावा बहुत जगह पर इसके हेडक्वार्टर्स भी अवेलेबल हैं। फाइन, ये टाइम स्पेसिफिक होता है फॉर्मल, बच्चे को 8 बजे जाना है, 3 बजे वापस आना है। बट इनफॉर्मल में क्या है, 11 बजे की क्लास है तो 2 बजे भी जाएंगे, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। टाइम, एग्जाम का टाइम अगर मार्च में है तो मार्च में ही होगा। बट इनफॉर्मल में क्या है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि मार्च में पेपर हो, आप अगली बार 6 महीने बाद भी पेपर दे सकते हैं। फाइन, प्लानिंग होती है फॉर्मल में कि 6 महीने में सेमेस्टर होगा, यहाँ पर टेस्ट होंगे। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, प्लानिंग जो होती है, पर प्लानिंग को आप फॉलो करें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों क्या है यहाँ पर? फॉर्मल पूरी तरीके से क्या है, टीचर एज वेल एज लर्नर सेंटर। बट यहाँ पर इनफॉर्मल क्या है, सिर्फ लर्नर सेंटर, यानी कि सेंटर में कौन है आपका, जो सीख रहा है बच्चा। हाँ, जैसे हम एसओएल की बात करते हैं, ठीक है इरू, आपको पता है इसके बारे में, एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे फॉर्मल में क्या होता है कि जैसे बच्चे को पता है कि मुझे 8 बजे स्कूल जाना है, 9 बजे इंग्लिश का लेक्चर होगा, 10 बजे मैथ्स का लेक्चर होगा। बट इनफॉर्मल में होता है, एग्जाम्पल के तौर पर, आप लर्निंग कहीं पर भी कर सकते हैं। आप अपने घर में, अपने घर में कहीं घूमने गए हैं तब कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, या फिर कभी भी कर सकते हैं, कोई इसका बाउंडेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है कि इनफॉर्मल में एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ बच्चे का। फॉर एग्जाम्पल, कोई जैसे कंडक्टर सिटी पर जाता है, तो उसको पता है कि वहां पे बस रुकती ही रुकती है, तो ये आपका इनफॉर्मल लर्निंग है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सिटी बजेगी तो यहाँ पर बस रुकेगी। तो लर्निंग का कोई बाउंडेशन नहीं हो, कभी भी चलते फिरते, एज का कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट करता है क्या, अगर आप टूवर्ड्स कनेक्टेड होते हैं लर्निंग से, शेयर करते हैं डिजिटल चीजों को, लोकली भी करते हैं और ओपनली भी करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो लोकली करेंगे, ओपनली करेंगे, ये रिव्यू के ऊपर मैटर करता है। आपका क्रिएटिव नॉलेज, बिल्डिंग कम्युनिटी, आपका फीडबैक कैसा है, इनफॉर्मल सोर्सेस कैसे हैं, ये सब इसके ऊपर मैटर करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 आपके स्क्रीन के ऊपर है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, आदर्शन रीजन में दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये कह रहे हैं पैडागॉजी, फिर से बता दूं अगेन क्या है, टीचर सेंटर है। फिर कहते हैं कि सोशल लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन आर टू मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटी ऑफ टीचर्स। ठीक है, ये कहते हैं कि पेडागॉजी में सोशल जो लर्निंग है आपकी, 2 बार होती है, पर कम्युनिकेशन का ये कहना है कि जो संचार होता है क्रूशियल होता है, इसको बनाना पड़ता है, एक्टिविटीज दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप देख भी पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आई थिंक हमने कर लिया है ऑलरेडी, 2 बार रिपीट हुआ है। आई थिंक वी ऑलरेडी डन द क्वेश्चन। हाँ ठीक है विभा, मैं वही कह रही, कॉग्निटिव मैं बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन में, अफेक्टिव है, आउटकम रीइंफोर्सिंग, कोलैबोरेटिंग है, ग्रुप लर्निंग है, लर्निंग परफॉर्मेंस, सोशल इमोशनल सोशल लर्निंग, जिसकी बात किसने की है, वाइगोस्की ने की है, तभी पॉसिबल है लर्निंग आपकी कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल तरीके से। ये सवाल है आपके लिए 182 स्क्रीन के ऊपर, जो आप देख पाएंगे। ठीक है उत्तम, अनु, शिवम, तृप्ति, ठीक है, गुड टू ऑल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसको आप देख भी पा रहे होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, MHRD, और आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इसके हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, ये आप सबको पता है, पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे थे, अब एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं।
तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट सेंटर के साथ मिलकर काम करता है और उसकी कमांड किसके हाथ में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी MHRD के हाथ में। वेल डन प्रियंका, UGC मिल्सी का 4 है एंड अनु का कहना है कि 182 का बी होगा। लेट्स सी द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन। मैं यहीं पर बताते चलती हूँ आपको, नूपा इज स्टैंड फॉर योर एजुकेशन प्लानिंग। UGC आपके लिए काम करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है BCD, UGC, AICT एंड DEC। भाई नूपा का काम प्लानिंग करना है, मैंने 10 बार आपको बता दी ये चीज आई थिंक, ठीक है? अब मैंने कम से कम बहुत बार बताया आपको, नूपा स्टैंड फॉर योर प्लानिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन में प्लानिंग का काम कौन करता है? नूपा, ना कि यहाँ पर आपको रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है, ठीक है? AICT क्या है, आपकी स्टैचुरी बॉडी भी है, रेगुलेटरिंग बॉडी, क्योंकि ये क्या है, पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर बनी है। इज इट ओके एवरीवन? UGC क्या है, यहाँ पर पूरी तरीके से काम करती है किसके लिए, आपकी यूनिवर्सिटी को साथ में मिलाकर काम करती है, एसोसिएट तरीके से काम करती है, ग्रांटिंग का काम करती है। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। MHRD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है अब आपकी, नॉट इस नाउ नॉट कंसिडरिंग एज ए MHRD। हाँ बिल्कुल सही कहा शिवम आपने, 2020 का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। AICT का काम क्या था, मैंने पहले बताया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करती है, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग का काम करती है, रेगुलेटरी बॉडी के लिए काम करती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसको आप देख पाएंगे, और जो आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट क्या है आपका, नंबर 1 स्टेटमेंट और नंबर 2 स्टेटमेंट है। नंबर 1 स्टेटमेंट ये कह रहा है कि FICC जो 2012 में हुआ है, 3 ग्रेटेस्ट चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। एक पहला है, हम हायर एजुकेशन में फेस कर रहे हैं, ठीक है? हायर एजुकेशन के एक्सपेंशन में, इक्विटी में और एक्सीलेंस में हम फेस कर रहे हैं। एक तो ये चैलेंज हमारे पास है कि हमारे पास बराबर ही नहीं है, बेहतर ही नहीं है, और चीजें जो है एक्सपेंडेड नहीं है हायर एजुकेशन के मामले में। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रियंका, ठीक है, काम क्या करती है, प्लानिंग करने का काम करती है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में। हाँ AICT स्टैचुरी बॉडी है, पर साथ में रेगुलेटरी बॉडी के लिए भी काम करती है MNCA, ठीक है? आपको बेस्ट चूज करना था, तो यहाँ पर नूपा तो करेगी नहीं, नूपा का काम प्लानिंग करना होता है, ठीक है प्रियंका? एंड यहाँ पर मिन्सी, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन वन मोर टाइम। पर डाउट में मत रहना, ये सवाल दोबारा पूछेंगे आपसे, फिर कहोगे कि हमें क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन से, जबकि डेली बेसिस में कम से कम ये सवाल मैं एक बार पढ़ाती पढ़ाती हूँ आपको। आगे बात करते हैं, स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं कि 3 इश्यूज हैं हमारे पास, इसमें इंटरलिंक है किस, इक्विटी के साथ, लार्ज एक्सटेंट के साथ, डिपेंडेंसी है एक्सपेंशन के साथ और एक्सेस के साथ। ओके ठीक है, ठीक है प्रियंका, क्लियर है इतना, और मिन्सी को भी। आगे बात करते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये आपका 2014 में सबसे पहले बना था, जब स्मृति ईरानी आपकी MHRD मिनिस्ट्री की मिनिस्टर थी, ठीक है? फिर रमेश पोखरियाल बने, फिर जावेद प्रकाश बने, और उसके बाद अब बन गए हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। ओके ठीक है, हाँ जी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945 में बनी है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या है FICCI का, प्रोवाइड करता है गाइडेंस को और एजुकेशन को, आपके रोल्स की क्या है इकोनॉमी में, बिजनेस काउंसिल्स क्या है, कॉन्फ्रेंसेस, मेंबर्स एंड साथ में एक्सपोर्ट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। आगे चलते हैं, नीति आयोग के बारे में बता दूं मैं, नीति आयोग क्या है आपकी, 17 से 2020 के बीच में अभी एक्टिव तरीके से काम कर रही थी, थिंक टैंक के नाम से जानी जाती है, मिस्टर PM इसके हेड हैं, और यहाँ पर 15 साल में लॉन्ग टर्म विजन को फॉलो कर रही है, ये पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी को ये जो है फॉलो करती है। ओके आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स वन मोर टाइम, चलिए देख लेते हैं। उत्तम, मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ, जस्ट गिव मे मोमेंट।
देखिए भाई, सवाल आपका ये था, ये कह रहे हैं कि भाई भारत में FICC जो 2012 में बनी है, उसने हमारे अंदर, हमारे भारत में उच्च शिक्षा को लेकर तीन चैलेंजेस को कहा है कि फेस करना पड़ेगा। पहला क्या है? एक्सपेंशन यानी विस्तार। दूसरा क्या है? इक्विटी। तीसरा क्या है यहाँ पर जो है? उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस। फिर ये कहते हैं कि जबकि कथन एक में जो यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं पहले, ठीक है, एक में दिए गए सभी तीन मुद्दे परस्पर जुड़े हैं, जबकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इक्विटी विस्तार और पहुंच पर निर्भर है। तो इनका ये मानना है कि जो इक्विटी होती है आपके एक्सपेंशन पर भी डिपेंड करती है, और आपके किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी रीच के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहां पर देख पाएंगे FICC ने तीन मुद्दे आपके सामने रखे हैं, एक आपकी एक्सीलेंस है, एक आपकी इक्विटी है, और दूसरी कौन सी है आपके साथ में हम क्या फेस कर रहे हैं? एक्सपेंशन को। तो इनका मानना है कि स्टेटमेंट नंबर वन तो सही है आपका, पर स्टेटमेंट नंबर टू जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें एक शब्द है इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंस प्लस साथ में आपका जो आप यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक्सीलेंस को अकेले कह लीजिए, इक्विटी को छोड़ भी देंगे तो भी दोनों एक ही चीज बोलेंगे कि इक्विटी होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है ना यहाँ पर, कि हायर एजुकेशन में इक्वल, जो अगर मैं बोलूं कि इंडिया में हायर एजुकेशन में यहाँ पर इक्विटी की बहुत कमी है, इसका मतलब ये कि एक्सीलेंस की कमी है, साथ में एक्सपेंशन की कमी है, ठीक है? आई होप क्लियर होगा। शिवम, अब आपको। हाँ, शिवम ने जवाब भी दे दिया। संजीव मेहता अभी हमारे FICC के हेड हैं, ठीक है उत्तम, आई होप कि क्लियर होगा। शिवम, आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ, ठीक है? एंड ओके, निष्ठा ने बताया है थ्री ग्रेटेस्ट चैलेंजेस हैं। हाँ, तो जो निष्ठा ने स्टेटमेंट दिया है ना भी यहाँ पर, इक्विटी, एक्सपेंशन और एक्सीलेंस, भाई अगर आप उसमें से एक्सपेंशन और साथ में एक्सीलेंस अगर हटा भी देंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इक्विटी ही एक ऐसी चीज है जो एक्सीलेंस और आपके एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करती है, फाइन। और इस स्टेटमेंट में इन्होंने इक्विटी को बोला है कि लार्ज एक्सपेंड है, कहाँ पर है? एक्सपेंशन और एक्सेस के ऊपर। तो बात तो एक ही है, आप कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, ठीक है, अगर दोनों का मतलब सेम ही है तो। और इसका काम क्या है FICC का, जिसके संजीव मेहता हेड है अभी? प्रोवाइड करना है गाइडेंस एंड एजुकेशन को, रोल इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन बिजनेस, आपकी बिजनेस मीट्स जहां पर होती है, असिस्टेंट करना है मैसेज मेंबर्स को, और वैल्यू इंफॉर्मेशन को आप तक प्रोवाइड करना है यहाँ पर, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है उत्तम। हाँ प्रियंका, विभा, वेल डन निष्ठा, थैंक्स फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नीति आयोग के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, और इतना ही काफी है, इतना पता हो आपके लिए काफी रहेगा आपके लिए। ये जब आपको PDF मिलेगी तो आप यहाँ से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ। एक्सपेंशन की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई यहाँ पर हायर एजुकेशन में एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात हो रही है, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, क्रिएट कोस्टल इन्वायरमेंट जोन्स को और भी बेहतर बनाना है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, 184 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 184 क्वेश्चन? हाँ देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये, और इंटरेस्टिंग लगने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि इस इंटरेस्ट फैक्टर में आपको बहुत कुछ काम की चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि योगा जो है यूनियन एंड बॉडी माइंड और आपके जो पूरी तरीके से सोल को जो है बेहतर बनाता है। फिर टू कहता है क्योंकि वैल्यू एजुकेशन का काम क्या है? इन्वायरमेंट में एजुकेशन को और भी इंटीग्रल तरीके से जोड़ना है, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? साथ में जोड़ना। जैसे वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है? बच्चे का सस्टेन्ड डेवलपमेंट, उसका मेंटल एबिलिटी, उसका सोशल इकोनॉमिक, उसका जो फाइनेंशियल होता है, मॉरल होता है, बिहेवियर होता है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट सब मैटर करता है। ओके, तो आप देख पाएंगे द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन की बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू,
योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है कंप्लीट डेवलपमेंट। आपकी बॉडी कैसे काम करती है, कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन है आपकी बॉडी का, माइंड का, और किससे जुड़े हैं दोनों को, दोनों सोल। वैल्यू एजुकेशन क्या कहती है यहाँ पर, कि बच्चे को डेवलप करना है कैसे, उसके माइंड को डेवलप करना है, उसके बॉडी को डेवलप करना है, उसके सोल को डेवलप करना है, उसकी इमोशनल लेवल को, उसके फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना है, उसका मॉरल बिहेवियर कैसा है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, और वो कैसा बिहेव करता है, और उसका सोशल और पीयर ग्रुप में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी दोनों क्या है, योग एंड आपका वैल्यू, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका दिमाग और अगर आपका सोल अगर यहाँ पर काफी हद तक ऑथेंटिक है, तो काफी हद तक आप यहाँ पर खुद को कनेक्टेड फील कर पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली, योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट प्रियंका फ्रॉम आर साइड, विभा। ठीक है, हाँ, यूज का मतलब होता है टू ज्वाइन, और योग का मतलब होता है टू यूनाइट। ठीक है, ध्यान करने से माइंड फ्रेश रहता है। जी शिवम, ठीक है, ओके, ठीक है, इरू वेरी, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। होप क्या आप कर ही पाएंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 आपके स्क्रीन के ऊपर है, और इसका देना है जवाब आपको मुझे। और ये सवाल आपसे पूछा गया था, कोठारी कमीशन ही आपका क्या है, 1968 में आया है ऑन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, ये ध्यान में रखिए। दूसरा आया है 1986 में, किसके टाइम में आया है, राजीव गांधी के टाइम में। फिर आया है 1992 में, और अभी आया है 2020 को, कब आया है, 29 जुलाई को, किसके अंडर में आया है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे पीएम है। ठीक है, ओके, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और मुदेलियर कमीशन से सवाल आपसे पूछा गया था, और आपका यहाँ पर डेस्टिनी फॉर्मड इन द क्लासरूम, ये कोट स्टेटमेंट किसका है, कोठारी कमीशन का। क्लियर एवरीवन, राधा कृष्ण कमीशन किसका है, ये इसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहला आपका कमीशन बना था, यूनिवर्सिटी कमीशन। मुदेलियर से सवाल पूछा गया था आप लोगों से, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेजेस के लिए फेमस है, ठीक है, यानी 3 लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के साथ में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। एनईपी पढ़कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ, 1952 में मुदेलियर आया है, कोठारी 1968 में आया है, 1986 में सेकंड पॉलिसी आई है राजीव गांधी के टाइम पे, और उसके बाद लास्ट जो अभी चल रही है आपकी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आई है आपकी मिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में। ठीक है, हाँ, 48 में आई है राधा कृष्णन, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। ठीक है, राधा कृष्ण कमीशन की बात कर रहे हैं, ओके, 52 में है मुदेलियर। ठीक है, 48 में राधा कृष्णन आई है, 1948 में मुदेलियर, 1952 में आई है, और उसके बाद आई है कोठारी 1968 में। मैं यहीं पे बता देती हूँ, आंसर भी देख ही लीजिए आप लोग एक बार, आई थिंक आपको क्लियर भी होगा, इसकी बात कर रहे हैं हम। आपके राधा कृष्णन आई है 1948 में, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, मुदेलियर 1952 में आई है, और उसके बाद आई है आपकी कोठारी कमीशन 1968 में, कब आई है, इंदिरा गांधी के टाइम पे आई है ये। उसके बाद आई है आपकी नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, ऑन द टाइम ऑफ राजीव गांधी, और उसके बाद आई है 2020 में एनईपी, आई है अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पे। कोठारी कमीशन का ही कोटेशन है, डेस्टिनी ऑलवेज फॉर्म्ड इन द क्लासरूम ऑफ द स्टूडेंट्स। बिल्कुल शिवम, आता है, और इस बार भी सवाल आएगा, 200% आएगा। सवाल कहाँ कहाँ से आने वाले हैं आपके, एनईपी से सवाल आएगा आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका आएगा, इन कमीशन से सवाल पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे आप लोगों से, इंपॉर्टेंट है, ओके, कमीशन से सवाल बनते हैं आपके। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, टीचिंग में आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इफ कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और आपके रिसर्च से सैम्पलिंग से सवाल आएगा आप लोगों को, ये ध्यान में रखिए आप लोग। फिर से, हाँ, हायर एजुकेशन में आता है इरू आपका कोठारी कमीशन। और एनईपी की मैं बात कर रही हूं, तो कर्नाटका सबसे पहला ऐसा स्टेट है जहां एनईपी लागू हुआ है आपका, ध्यान में रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या कहा है कि हम 21st सेंचुरी खत्म होते होते 15 बिलियन पॉपुलेशन जो है यहाँ पर कवर कर लेंगे, जो हायर एजुकेशन में जा चुकी होगी। सबसे ऊपर कौन है,
हायर एजुकेशन में सबसे ऊपर है, कर्नाटका नंबर 2 पे है, बिहार और झारखंड सबसे नीचे है, 3 पर बिहार, 4 पर झारखंड है। आई होप कि द क्वेश्चन इज एक्सप्लेनेशन इज एनफ टू यू पीपल। ठीक है, हाँ ठीक है, कर्नाटका है इरू, वेल डन। उसके बाद केरला आता है, उसके बाद आपका आता है बिहार, फिर आता है झारखंड। और इसके साथ साथ बताते चलूँ आपको, रिजोल्वेशन जो आपका 22 में आया है, कंक्लूड योर गोल्स दिस ईयर। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आप सच में अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं अपने पेपर को, तो ज्वाइन कीजिए मेरे स्कोर के साथ। अपना सब्सक्रिप्शन पैक 22% का यहाँ पर ऐड होगा आपके लिए, ठीक है, फ्री ऑफ एटलीस्ट। ये कोड काफी हद तक बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है अनु। हाँ, केरला इज द राइट आंसर। इरो केरला कर्नाटक सबसे ऊपर है, ठीक है, और सबसे खराब सिचुएशन में आपका बिहार झारखंड एंड नॉट यूपी। ठीक है, यूपी को कंसिडर नहीं किया गया, एज पर द डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ। वैसे आपका जो पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। फाइन, आई होप कि क्लियर होगा। हाँ, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जीईआर आपकी ज्यादा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है आपकी। कहाँ पर ज्यादा है? केरला में ज्यादा है, फिर कर्नाटका में ज्यादा है, और उसके बाद सबसे खराब कहाँ पर है? बिहार, उसके बाद झारखंड में है, ठीक है। और यहाँ पर कर्नाटका ने अनाउंस किया है कि एनईपी को अडॉप्ट कर चुके हैं वो लोग, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या नहीं, लू फॉल्स कैसे कैसे दिखेंगे ये बताएंगे हमें अभी, ठीक है। जीआर कितना है? 26.1 अभी चल रहा है, 2020 का है ये, 21 का है, सॉरी। ओके नेहा, इरू, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ मनोज, हाँ एज पर डॉक्यूमेंट्स मनोज 100% एजुकेटेड है, हमेशा से ही आगे रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच। पीडीएफ मिलेगी आपको सोनिया सिंह यूजीसी नेट अंडरस्कोर अन अकेडमी पे, 10% का डिस्काउंट। इस कोड के साथ आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं SRS 10 के साथ। और अभी 12 बजे मेरी क्लास है हिस्ट्री की, यूट्यूब के ऊपर ही, तो ज्वाइन करना है। मगध पढ़ाऊंगी आपको, ओरिजिन ऑफ मॉरन एम्पायर, ठीक है। कोई बात नहीं इंदु, अगर ऐसा लगता है कि स्टेट की हालत खराब है, तो आई होप कि यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा सिस्टम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सके। थैंक यू सो मच विभा, राहुल, उत्तम, इंदु, इरू है, शिवम, निष्ठा, मनोज, सुगंधा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल। वी विल मीट टुमारो 10:30 शार्प, और आज भी मिलेंगे 12 बजे, और उसके बाद मिलेंगे रात को 8 बजे, ठीक है जी। 8 बजे पढ़ाऊंगी आपको ICT, एंड यहाँ पर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 22% के साथ। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई SRS 10, टुडे इज द लास्ट डेट टू सब्सक्राइब योर ऑफर। थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी।